हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, प्लैनेट का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, तो बड़ा ये रिवीजन वाली क्लास चल रही है। आप सभी लोग इसको जान रहे। अच्छा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों पर संक्रिया जो कि है योग घटाव और भाग, ये तीनों चीजें सीखी थी। क्या सारे बच्चों को ये याद है? क्या याद आ रहा है? देखो बेटा, मैंने आपसे क्या था, जैसे मान और ऐसे ही प्लस कर दिए फिर सर, मान आपकी थ्री लिखा आवाज गया। ठीक कट है कट के आ रही है। सर, सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा, अभी भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर, सर ही ने सर बोलो, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे सर, नेटवर्क इशू है। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है अनिल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप चैट में भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। मैं चैट में आपकी लिखी गई बातों को पढ़ता हूँ, और थोड़ा सा इशू तो है आज, मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो मैंने ये समझाया आपको कि 9 में अगर प्लस करना है -3 को, तो क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे? अगर हाँ तो चैट में लिखिए इसका उत्तर, चैट में लिखिए इसका उत्तर। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अनिकेत, अनिकेत, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नहीं भी आएगी तो सर कोऑपरेट करेंगे थोड़ा। सर हाँ, थोड़ा कट मतलब कट बता के आ रही है दीजिएगा, आवाज। बता दीजिएगा कि सर अभी नहीं आ रही है, तो चैट में लिख सकते हैं आप, चैट में लिख दीजिएगा सर अभी नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ। आ रही है सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर -6 आएगा, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो इसका सर मेरे मल्टीप्लाई को करा, रिकमेंड लगा हाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पे आप 9 में से 3 को माइनस करोगे ना। देखो बेटा, 9 से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा। अब देखो कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, तो बड़ी वाली संख्या बेटा 9 है, और 9 के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस का 6 आंसर आएगा, ना कि माइनस का 6 आएगा। ठीक है, क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? बेटा, इसका उत्तर +6 होगा, -6 नहीं होगा। ठीक है, यस तो सर। जो बच्चे गलत आंसर लिख रहे थे, है ना, जो बच्चे गलत आंसर लिख रहे थे, थोड़ा सा इसको बेटा सीखिए, गलत आंसर नहीं करना। ठीक है, चल, गलत आंसर नहीं कर। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो बेटा, हम आज सिखाने वाले हैं आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या सारे बच्चों ने फ्रैक्शन को मुझसे पढ़ा है? क्या मैंने फ्रैक्शन आप सभी बच्चों को पढ़ाया यस सर, है ना? यस सर। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आप सभी बच्चों को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ाया हुआ है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये क्लास स्टार्ट करने का मतलब ये टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेटा, एक तरीके से रिवीजन वाली ना फ्रैक्शन है, तो आप लोग एकदम अच्छे से अब की बात सीख लेंगे। चलो, तो देखो, अगर कोई संख्या p बाई q के रूप में होती है तो उसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न मतलब जैसे मान लो लिखा है 1/3, या फिर मान लो लिखा है बेटा 4/7, है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, इनका रूप क्या होता है? तो बेटा, इनका रूप होता है p बाई q, जहां पे p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। ये सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, यस बहुत सर। बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी का अगर कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, है ना, हमें बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है, आप मुझे दोबारा समझा। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने सीख लिया कि भिन्न क्या कहलाता है। ये जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं सब के सब बेटा भिन्नों के उदाहरण है ना, ये जितने भी उदाहरण है सब के सब भिन्न के उदाहरण। मान लो 5/4 लिखा है, ये भी एक भिन्न है। ठीक है,
फिर 3/7 लिखा है, ये भी एक भिन्न है। 1/2 लिखा है, ये भी एक भिन्न है। अब देखो बच्चों, जो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, उसका नाम होता है अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। हर्ष। बिल्कुल सही। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर, बाकी लोग भी आंसर बताइए चैट सेक्शन में। ओके सर, किसका आंसर बताना है? आंसर मतलब ये कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये चीज। अच्छा, अभी क्वेश्चन दूंगा तब बताइएगा। अच्छा चलो, ये तो हम लोग समझ गए। अब बताइएगा आंसर क्या है, आंसर आपको बताना है। मान लो बेटा लिखा है 5/5, है ना, 5/3, तो बताइए इसमें हर क्या है, हर का मान कितना है, हर की वैल्यू कितनी है, थ्री। डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है। चैट में लिखिए बेटा, ऐसे नहीं, चैट में, चैट में सारे बच्चे लिखिए। ओके बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो ये जो नीचे वाली संख्या होती है उसी को हर बोलते हैं, है ना, और बिल्कुल सही बात है। जो हर का मान होगा इस वाले सवाल के लिए वो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा बच्चों, इस वाले सवाल के लिए अंश का मान कितना होगा? बच्चों अंश का मान कितना होगा? सर 5। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग बात करेंगे जो भिन्न है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये जो भिन्न होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला वाला है उचित भिन्न, दूसरा वाला है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, और तीसरा वाला है मिश्र भिन्न। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि भिन्न कितने प्रकार के? है ना, तो अगर कोई पूछे कि भिन्न कितने प्रकार के, तुरंत बोलिएगा कि सर भिन्न होते हैं 3 प्रकार के, और उनके नाम अगर पूछे जाए तो गिनवाइएगा। पहला उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। बच्चों अगर यहां तक समझ में आया तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं? यस सर, बताइए। सर नहीं पता। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। देखो बेटा, उचित भिन्न के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो उचित भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है कि जो जो इसका अंश होता है ना वो हर से कम होता है। बच्चों ये याद रखिएगा, है ना। जैसे कि मान लो लिखा गया है 12/ ना 25, ऐसे लिखा गया। तो अब ध्यान से देखो, जो इसका अंश है ना, ये जो अंश वो कम है किसकी तुलना में? हर की तुलना में। सर क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस यस सर। सर, ओके बेटा, ओके। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी, है ना, कभी भी अगर
अगर अंश कम हो और हर ज्यादा हो है ना, तो उस वाले भिन्न का नाम होता है उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। परफेक्शन सर। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। बताइए बच्चों, क्या यह एक उचित भिन्न है? अगर हाँ तो वाइट एंड है चेकिंग सर। लगा। यस है सर। सर? यस सर। यस सर। ठीक है, सही है। यह एक उचित भिन्न है ना, यह एक उचित भिन्न है। सर आप नहीं दिख रहे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। सर को देख के क्या करना है? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। यस, तो ये बात। मिठू अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। 3/5, 3/10, 3/4, 5/7, ये सारे के सारे उचित भिन्न है या नहीं है? बच्चों बताइए, सारे के सारे उचित भिन्न है या नहीं? बिल्कुल है ना। चल बहुत बढ़िया, उचित, बहुत बढ़िया। है बिल्कुल, अब मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन। सर। हाँ यस, अब मैं आपको सिखाऊंगा विषम भिन्न के बारे में या फिर अनुचित भिन्न के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों आप जो उचित भिन्न में सीख करके आए हो ना, जस्ट उसका अपोजिट कर दो। यानी कि यहाँ पे जो अंश होता है ना बच्चों, अंश वो ज्यादा होता है और हर कम होता है। अंश ज्यादा होता है और जो हर होता है वो कम होता है। क्या सारे बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब भी अंश ज्यादा हो और हर कम हो तो उसका नाम आप लोग रख दीजिएगा है ना, उसका नाम रख दीजिएगा विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न है ना। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो बोलिएगा इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा बच्चों उस हिसाब से चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 11/3, तो क्या यह एक विषम भिन्न है? यस सर। बाकी लोग बताइए है ना, चैट में बता सकते हैं आप। ओके बिल्कुल सही बात है, यह बेटा एक उचित, सॉरी यह एक विषम भिन्न या फिर यह एक अनुचित भिन्न यस है। हेलो 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 सर जी। नमस्कार। हेलो हेलो। बेटा, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप क्लास को नहीं डिस्टर्ब का करने वो की वाद कोशिश, का ऑप्शन का सुनो, कैसे अगर क्लास को आप डिस्टर्ब करोगे तो आपको क्लास से होगा? इसके लॉस हो नाम जाएगा। से माइक सचिन, कौन सा है? हाँ ये सचिन प्रजापत के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये आखिरी वार्निंग है आपको। अगर आपने अब दोबारा माइक ऑन कराना तो मैं क्लास से बाहर करूंगा। तो बच्चों आप जैसे भी जानते हैं कि यह एक विषम भिन्न होगा, यानी फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग अनुचित भिन्न है। ठीक है, अच्छा मान लो बच्चों अगर लिखा हुआ है 17/12, तो क्या यह एक विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न है? नो सर। अरे बेटा सर है बिल्कुल सर। सर, आपकी आवाज में आ रही। सर ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। तो विषम भिन्न ये बिल्कुल है, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ ऐसा क्या है। ध्यान से देखिए, इसका जो अंश है ना वो ज्यादा क्योंकि है, सर अंश इसका ज्यादा है, बिल्कुल सही, और जो हर है वो कम है। ठीक हर है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा मिश्र भिन्न के बारे में। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है? जैसे कि सर। आप ऐसे समझ लीजिए, जो एक पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या आप लोग जानते होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इस टाइप। तो जो पूर्ण यस संख्या सर। होती है उसको आप साथ में ले लीजिए उचित भिन्न के।
जैसे मान लो 4/4 है ना, 4/13 है, एक उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो कम है और इसका ज्यादा है, ठीक है, उचित भिन्न है। अब बेटा इसके साथ एक पूर्ण संख्या ले लो, चलो मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है 5। तो ये जो 5 सहित 4/13 बना ना, इस पूरे का नाम है ना, इस पूरे का कलेक्टिवली नाम है मिश्र भिन्न। मिस्टर विन सर लगा जी हाँ, मिश्र देना। भिन्न। ओके सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई इतना तो पता चल जाता। तो मिश्र भिन्न की पहचान क्या है ना? मिश्र भिन्न की बेटा पहचान ये है कि एक पूर्ण पर संख्या आंखें लिखा दिख रहे। नहीं रही हाँ हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं आप। बेटा कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर आप नहीं दिख रहे। नो बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर नहीं से है। क्या करना, अपनी क्लास ले ले। हाँ आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जहां पे मैं लिख रहा हूं? यस सर। ठीक है बेटा, बस स्क्रीन पे देखिए। अगर स्क्रीन ना दिखाई दे तब आप बताइएगा ना। चलिए तो बेटा देखो, ये जो 4 सही 2/3 है, यह भी अपने आप में एक मिश्र भिन्न है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके बच्चों, ओके ठीक है। तो बच्चों क्या आप लोग कुछ सवालों को हल करना चाहते हैं? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पाली मैं आपसे यस सवाल। सर। यस सर। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, बताइए क्या यह एक मिश्र भिन्न है बच्चों? सर। यस सर। यस नो। सर। यस सर। है सर। चलिए चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बच्चों इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा पोल सेक्शन में। हाँ बच्चों, आप लोग अपना माइक में ऑन करिए, शोर होता है ना क्लास में, डिस्टरबेंस होता सर पोल सेक्शन ऑन ऑन हो। नहीं हुआ। मैं इसको एक बार सिखा देता हूँ, ये है क्या। देखिए लिखा हुआ है 2/5 है ना, पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का भिन्न है। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों सर विकल्प जी बड़े, कर ठीक दिया। है? तो बच्चों आपको इसका उत्तर पोल में देना है। पोल कैसे देना होता है उत्तर, देखो मैं सिखा देता हूँ पोल में कैसे देना होता है। बेटा सर। माइक है ना, माइक मत ऑन करिएगा, माइक ऑन करके उत्तर नहीं देना होता है। चलिए मान लेते हैं ये आपका फोन है, यहाँ पे आपके मोबाइल में 3 डॉट ऐसे बने हुए हैं, तो इसको पहले क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करते ही एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे एक बटन होगा ऐसे बना होगा और इस पे लिखा होगा एक्टिव ना एक्टिविटीज, लिखा होगा बच्चों। तो इस वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा, जो ही इस वाले बटन को क्लिक करेगी फिर से एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे लिखा होगा पोल्स और यहाँ पे लिखा होगा 1 एक्टिव। फिर इसको क्लिक करिएगा, फिर से एक बॉक्स बन के आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन का नंबर और इसके 4 विकल्प दिए गए होंगे, ठीक है बेटा? ABCD करके, ABCD, जो विकल्प ठीक होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे एक वोट का बटन आता है, इसको प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, आपका उत्तर मेरे पास आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से आंसर कर। बच्चों मैं स्कोर बता देता हूँ, तो बच्चों 9 बच्चों का सही है, और अच्छा ये संख्या बढ़ गई है, 10 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है ना। 10 बच्चों हो का गया ठीक सर। आंसर
अच्छा सर हो गया। ओके, 10 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत हो गया है। जी मेरा सही है। हाँ अभी देख लेना बेटा, आप खुद देख लेना, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। चलिए चलो बच्चों, 12 बच्चों का सही हो गया है ना, 12 बच्चों का सही हो गया और 4 बच्चों का गलत है। लास्ट के है ना, लास्ट के 15 सेकेंड और हैं, 15 सेकेंड के बाद बेटा हम पोल को बंद कर दें। ओके बच्चों, कुल मिलाकर के 13 बच्चों का ठीक आंसर आया है। ओके okay? चलिए अब मैं पूरे सेक्शन को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, आप चैट में भी लिख सकते हैं, कॉपी भी चेक करा सकते हैं। सर मैं अगली बार सर कॉपी में करूंगा सर, मैंने कॉपी में अगली बार करा नहीं, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली वाले क्वेश्चन से करिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये है क्या। सर देखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, किसका करेक्ट है? सर ये उचित भी यस, नरेश कुमार के नाम से एक बच्ची, इन्होंने अपनी कॉपी चेक कराई है, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू सर। साक्षी, साक्षी आप चेक कराओ बेटा अपनी कॉपी। ठीक है, सही, साक्षी के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट आंसर। चलो तो आपको ये बताना था कि 2/5 है वो किस प्रकार का भिन्न है। तो बच्चों उसका बताइए जो अंश है वो कितना है। सर जी वो 2 है। सर दो अच्छा और अब हर 5। सर जी इसका अंश कम है। बिल्कुल सही बात है ना, जब अंश कम होता है और हर ज्यादा होता है तो उस प्रकार के भिन्न का हम लोग क्या नाम रखते हैं। सर उचित भिन्न। बहुत बढ़िया, उचित भिन्न, यानी कि डी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर यस ओके सर बेटा, हाँ एक यस और, सर एक और क्वेश्चन दें। यस सर यस सर 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 दे दो। ठीक है बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का भिन्न है। तो बेटा माइक ऑन करके नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ बताना है तो पोल सेक्शन में, ना पोल सेक्शन में बताना। जी पोल खोल दो। सर पोल ऑन कर दो। सर ठीक है बच्चों, हो गया ऑन। जी कर दिया। बहुत बढ़िया, जी कर दिया। हाँ बच्चों, 4 लोगों का कर दिया ठीक है, किसी का गलत। सर, हो गया सर। सही है बच्चों, सही, 7 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। हो गया सर। नौ बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। सर बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो बेटा जानते हो सर, बिल्कुल इजी आसान है। है, एक्चुअली इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हैं, है ना। जब पढ़ चुके हैं तो आपको ये सारी चीजें इजी लगेंगी, और देखो इजी लगना बहुत जरूरी है।
क्योंकि देखो रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको उस है ना चैप्टर के बारे में संपूर्ण नॉलेज दे देना, ताकि आप कभी भी उस वाले चैप्टर में फंस ना सके, है ना। इसलिए है ना ये चीजें ऐसी करी जा रही। ओके, तो 10 बच्चों का ठीक है, 4 का गलत है ना। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। हेलो सर, हाँ हाँ बताइए। सर क्या मैं जी 10 मिनट के बाद क्लास ज्वाइन हो सकता हूँ? ओके, कुछ जरूरी बात हो बेटा? हाँ यस सर जी, मुझे काम है जी कुछ है। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके सर, बाय सर। ठीक है। तो 10 बच्चों का है ना करेक्ट आंसर आया और 4 बच्चों का गलत। तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं? सर यस चलिए, सर, मैंने चैट ऑन कर दिया। आप लोग अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराइएगा और चैट में भी लिखिएगा। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया है ना। साक्षी आपका आंसर करेक्ट है, करेक्ट कर देता आंसर है। ओके ठीक है, चलिए। सर। हाँ, नरेश कुमार के नाम से बच्ची है, आपका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 5 सही 1/3 है ना, ऐसे। तो बच्चों यह एक मिश्र भिन्न है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिएगा। लॉजिक इसके पीछे क्या है? देखिए ये जो संख्या है यह एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यह एक पूर्ण संख्या है, और ये जो संख्या है यह एक उचित भिन्न है, यह एक उचित भिन्न इसीलिए है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर, सर, यस सर। सर इन्हें बता दो, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मिस्टर ए विन, मैंने सर को बोला था। हमें भी पता है, फिर हम बता लग रहे हमारे बेटा। चले। बेटा शोर मत करिए, शोर मत करिए बच्चों, शोर मत करिए। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिश्र भिन्न, यानी कि पहला वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों का सही था? सर यस सर, ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पोल को है ना ऑन कर दिया। सर मैंने कर दिया, देखना। ठीक है, सही है, सही। ओके सर, अपनी कॉपी में भी कर लीजिएगा। यस सर, कर लिया कॉपी में। बच्चों ध्यान से करिएगा, 14/5 यानी 14/5 है। आपको ये बताना है कि किस प्रकार का भिन्न है, ठीक है। सर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है बेटा। कर लिया। एक्चुअली ये सारी चीजें आप पढ़ चुकी हैं, जो आसान लगना चाहिए
यस सर, मैंने तो देखते ही कर दिया। हाँ बच्चों ठीक है, 5 बच्चों का ठीक है ना, और 5 ही बच्चों का गलत भी है। ठीक सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट के 15 सेकेंड और उसके बाद से हम पोल को यस बंद करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, चल ठीक है। कर दो सर। हाँ ठीक है चलो। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चों ने इसका गलत आंसर किया है। बच्चों क्यों गलत किया है आपने? गलत तो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सर बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और बच्चों मैं चैट को ऑन कर देता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ तक ठीक किया है, कहाँ तक गलत किया है। ठीक सर देखना, हाँ, नरेश कुमार के नाम से जो बच्ची है, ठीक है आपका ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? थैंक यू सर। गरिमा। गरिमा, गुड। ये छोटा के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट आंसर। साक्षी का भी करेक्ट आंसर। सर मेरा ठीक है। एक बार फिर से दिखाइए अपनी कॉपी। सर मेरा ठीक है क्या? हाँ, ठीक है, यस सर ठीक है। राखी का भी। बिल्कुल। रवि का भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर मेरा ठीक है आंसर। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका जो अंश है वो 14 है, और तो जो सर इसका है हर पांच। है वो 5 है। तो अंश ज्यादा है या कम है? कम है सर। ज्यादा ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा है अंश, अंश हर कम है सर है। ज्यादा। बिल्कुल सही बात। तो इसका जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि जब अंश ज्यादा होता है और जी हर, है ना, हर कम होता है तो उसको हम लोग अनुचित भिन्न बोलते हैं या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर, ठीक यस सर, यस सर। सर। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे है ना, जितना भी हम लोग ने सीखा उसका एक समरी है, चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो ना, इस समरी का, चाहो तो स्क्रीन सर शॉट ले लिया ये बोल क्या रहा है। सर। अच्छा ये बोल क्या, देखो ये जो भिन्न होता है इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है बच्चों विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, यहाँ पे उचित भिन्न के उदाहरण लिखे गए हैं, इसके नीचे अनुचित भिन्न के, और यहाँ पे मिश्र भिन्न के उदाहरण लिखे गए हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस यस सर, सर। यस सर। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग भिन्नों का जो रूप होता है बदलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई विषम भिन्न है जिसको आप लोग बोलते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो उस
विषम भिन्न को आप बदल सकते हैं एक मिश्र भिन्न में, ठीक है बच्चों। और जस्टिस का है ना, जस्टिस का हम लोग वाइसे वर्षा भी सीख सकते हैं। वाइसे वर्षा का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अगर मिश्र भिन्न है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विषम भिन्न में। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर, यस सर, यस सर। ओके बच्चों, ओके। चलो हम लोग लाइन बाय लाइन चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है 15 बाई 4, सर, है ना। 15 बाई 4 कैसे करेंगे? ओके। अच्छा एक बात और, 15 बाई 4 को अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं एक सवाल ले लेता हूँ, 11 बाई 3, ठीक है। 11 बाई 3 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको सीखना ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा ये फ्रूटफुल होगा। कैसे? देखो यहाँ से मान लो बेटा 11 है और इसको तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितने टाइम्स में जाएगा ये? कितने टाइम्स में जाएगा, कितनी बार में सर जाएगा? 3। 3 3 9 हो जाएगा। ओके और बेटा यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? आप सर हेलो। दो हाँ बिल्कुल सही। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फार्मूला होता है, वो होता है भागफल, ठीक है, शेषफल बटे, है ना, भाजक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भागफल कितना है बच्चों? सर, 3 सर, बहुत बढ़िया। 3 और शेषफल कितना है? सर, 2 2 सर जी 2 और भाजक कितना है? सर, 3 बहुत बढ़िया। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 3 सही 2 बटे 3। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा? यस सर। सर, ओके बच्चों, सर एक ऐसा क्वेश्चन दे दो। हाँ एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। ये 15/4 है, इसका आंसर बताइए आप सब, ठीक है। यस सर देखना, सही है, ठीक गरिमा का करेक्ट आंसर आया है ना। बाकी लोग, बाकी लोग क्लास में कॉपी चेक कराइए, चेक कराओ। सर सर आपकी बात, सर ये जो आपने दिया इसका देखना। सर, जो आपने ये क्वेश्चन दिया इसका आंसर देना है। हाँ हाँ ओके सर, हाँ चलो, रवि के नाम से एक बच्ची है या बच्चा है, इन्होंने अपनी कॉपी चेक कराई। और हाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक सेकेंड साक्षी, मैं देख रहा हूँ अपनी सर कॉपी एक चेक मिनट करिए रुकियो, साहब। हाँ बेटा पहले इसको आप
एक तरीके से मिश्र भिन्न के रूप में तो लिखिए साक्षी, सिर्फ भाग देने से नहीं होगा, उसको बदलना भी पड़ेगा। सर ऐसे हाँ कहाँ पे बदला आपने? हाँ अब जाके मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है, 3 से 3/4 ठीक आंसर आया। ठीक है चलो, अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन सर मेरी भी चेक नंबर कर दो। ठीक यस, हाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए, थैंक यू सर। अब ध्यान से देखना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 जा 12। अब बच्चों 15 में से 12 जाता कितना होता है? 3 आता है ना, तो आप 15/4 को क्या लिख सकते हो? याद करो मैंने फार्मूला बताया था, भागफल, भागफल कितना है? 3 है। ठीक है 3 को लिखिए। ठीक है 1/2 का चिन्ह बनाइए और ऊपर की तरफ शेषफल होता है, शेषफल कितना है बेटा? 3 है ना, 3, तो इस 3 को लिख दीजिए। फिर क्या लिखना होता है? भाजक, जो कि 4 है, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 3 सही 3/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर अच्छा ठीक है, यस ठीक है, वेरी गुड, सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा आप चाहो तो इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो, है ना? लिया सर। ओके सर ले लिया सर। सर ठीक है, ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1 सेकेंड, यस सर। चलिए सारे बच्चे बताएंगे। 32, सर आपकी आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही। क्या अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही? अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आवाज अच्छा ठीक है, तो 32 को डिवाइड करिए 3। सर आपकी थर्टी आवाज कट कट कर आ रही है। बच्चों सर अब आ ये रही है मिश्र भिन्न तुम्हें? में बदलना। हमें तो नहीं आ रही सर, हमें प्रॉपर आ रही है। सर अच्छा बराबर, आवाज अच्छा कट के आ रही है। सर एक सेकेंड सुनो, प्रॉपर आ रही है हमें तो। सर डिफिकल्ट फील कर रहे हैं बेटा। इनको बोलो इनको सर बोलो क्लास रिज्वाइन करेंगे। ले रहा दे रहा। क्वेश्चन है 32 डिवाइड करना 3 से, आप उस सारे बताइए। जी आपकी आवाज ना आ रही है। सर ये मिशन भी में बदलना है। सर बेटा इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक है? सारे बच्चे कॉपी में, हाँ मिशन भी में। बिल्कुल सही, मिश्र भिन्न में। हाँ अच्छा गरिमा, बेटा आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? यस सर अब आ रही है। पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, सर ओके, तो सारे बच्चे मिश्र भिन्न में बदलिए, सारे बच्चे मिश्र भिन्न में बदलिए। यस सर मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन कर सकूं क्लास? सर सर को अभी बेटा तब चेक तक कर दो। सर क्लास ओवर हो जाएगी ना, रुक जाइए, है ना? ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस रुक जाइए, अभी क्लास ओवर हो जाएगी। हाँ साक्षी, यस बेटा आपका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा से आपका धुंधला दिख रहा है, मैं बहुत ज्यादा साफ देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है बाकी लोग भी चेक कराओ अपनी कॉपी, गरिमा आप चेक कराओ अपनी, सर है ना? अनिकेत चेक कराओ। यस गरिमा की मैं कॉपी देख मैं पा रहा हूँ, गरिमा एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, गरिमा। ठीक है थैंक यू यस सर।
बाकी लोग भी अपनी पर कॉपी मेरी चेक भी कर करते हैं। दो। ओके कॉपी दिखाओ। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत पास में मत ले जाओ सर टेन। अब्दुल्ला। हाँ ठीक है ठीक है, साक्षी का भी ठीक है। अच्छा सर मेरी भी कर दो। थैंक यू सर। चलो बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ध्यान से करना कैसे है। देखो आप ना 32 को डिवाइड करते 3 से, तो 3 दहा सॉरी हाँ 3 दहा में 30 होता है, तो यहाँ पे 30 लिख दो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है तो बेटा ध्यान से, 10 लिखोगे ठीक है, फिर सर क्या आपकी आवाज ना अच्छी तरह से। नो होगा। मेरी आवाज सर। आ रही है? सर आ रही कॉपरेट है कर रहे सर। हैं। सर ये कॉपरेट भी नहीं करते हाँ ठीक है चलो बेटा, बहुत सही। तो हाँ 10 सही 2/3 इसका नहीं करेक्ट आ उत्तर पा होगा। सर। जी आ भाई है सर। अच्छा, मैं ये निकालूंगी हाँ सर। ये मिट्टू का माइक क्लास क्लास यहीं पे ओवर होती है। मैं सबका माइक, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है बच्चों, अब अगर कुछ गड़बड़ मेरी दारू कौन था ये बेटा, क्लास में बदमाशी मत करिए ठीक है। ओके तो ये क्लास ओवर हो रही है, अगर आपका कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। किसी बच्चे का कुछ डाउट है? नो।